So my name is Gaurav Gupta and I'm a baniya. Quran repeat audience hai kya? And हम बनियों में क्या होता है ना, सारा पैसा गाड़ के रखते हैं पूरी जिंदगी. पैसा सिर्फ दो जगह दिखाते हैं, घर बनाने में, बेटी की शादी में. बड़े बड़े घर बना लेंगे, जीके में, वसंत कुंज में, प्रीत विहार में, बड़े बड़े घर बना लेंगे. 500 गज की कोठियों के बाहर क्या लिखा होगा, बंसल कुटिया. बड़े बड़े घर बना लेंगे जीके में, वसंत कुंज में, प्रीत विहार में, उसका एक नेम प्लेट अटैच करते हैं, अग्रवाल हाउस, बिंदल निवास, बंसल हाउस, उसका एक टैगलाइन अटैच करते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा. मतलब बंदा कोटी के बाहर खड़ा है 500 गज की, 10-12 गाड़ियां, 5-6 नौकर, और टैगलाइन पड़ता है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा. कहता है ये किस तरह की हारे, किस तरह का सहारा है भाई. है ना, बनियों में क्या है ना, पंजाबी लड़की से शादी मना है यार. मतलब एक तो बनियों का काला भसन लड़का, तीन चार साल स्ट्रगल करने के बाद एक गोरी चिट्टी पंजाबन लड़की पटाके लेके आता है, शो सम रिस्पेक्ट. लेकिन मना कर देंगे, मना कर देंगे. मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी क्यों, कहते पंजाबी बहुत शो ऑफ करते हैं, बहुत शो ऑफ करते हैं, हम बनिए लोग नहीं करते. मैंने कहा मम्मी कुछ होगा तभी तो शो ऑफ करते हैं. हम बनियों को दिए क्या है, काला रंग, मोटी तोंद, काले भसंड का जिंस. दूसरा रीजन क्या रहती है, कहते प्याज लहसुन का खाना खाती हैं. कह रहे प्याज लहसुन का खाना खाते, नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं पंजाबी, तो हम बनिए लोग नहीं खाते. मैंने कहा मम्मी इसी वजह से जब हम लोग बाहर खाना खाने जाते हैं ना, तीन ऑप्शन है थे गिनती के, बीकानेर वाला, हल्दीराम, श्री रत्नम. मतलब किसी भी तरीके से मानना नहीं है इनको, किसी भी तरीके से मानना नहीं है. मामा चाचा सबको जाके बताने लग जाएंगे, अरे तो पंजाबन ला रहा है, पंजाबन, वो तो बड़ी कलेशी लड़कियां होती हैं. उन्हें कोई समझाओ, आंटी जी आखिरी चांस था आपकी जनरेशन की शक्लें सुधारने का. फैक्ट्री चेंज करने का, प्लीज अवेल द ऑफर. सुधरेगा बनिया तभी तो सुंदर दिखेगा बनिया. एंड बनियों में क्या होता है ना, हम लोग बिजनेस फ्रेटर्निटी को बिलोंग करते हैं, तो चाहे बनियों का बच्चा चाहे कुछ भी करना चाहता हो जिंदगी में, उसको बिजनेस की जरूर सजेशन देंगे किसी भी तरीके से. लाइक आई एम ए डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन, MBBS में हुआ नहीं, एक साल घर पे खाली बैठा था, रिश्तेदार आ गए जले पे नमक छिड़कने. कहता भाई साहब इसको मेडिकल MBBS का इतना शौक था तो केमिस्ट की शॉप खुलवा देते. मतलब इस लॉजिक के हिसाब से जिसको कंप्यूटर इंजीनियर बनना उसको साइबर कैफे खुलवा दो, और जो बेचारा शेफ बनना चाहता है उसे हल्दीराम की फ्रेंचाइजी दिला दो. ये कहां का जुगाड़ हुआ भाई. एंड एक प्रोफेशन ऐसा ना जहां आपको बनी नजर ही नहीं आएंगे कभी गलती से भी, वो है भारतीय सेना ज्वाइन करना. और मेरे पास एग्जांपल है जिन लोगों को शक है. लाइक आपने सुना होगा पंजाब रेजिमेंट होती है, जाट रेजिमेंट होती है, गोरखा रेजिमेंट होती है, कभी बनिया रेजिमेंट सुनिए साले किसी ने यहां पर कभी. और बन भी गई तो ये लोग करेंगे क्या, 26 जनवरी पे राष्ट्रपति को अपनी तोन से सलामी देंगे.